बेलपत्री की माला बना रही हैं, मंदार के फूल उसमें लगा रही हैं, बेलपत्री की माला में सुई का प्रयोग नहीं होता, तुलसी की माला में सुई का प्रयोग नहीं होता, जरा ध्यान देना, शमी के पत्ते की माला में सुई का प्रयोग नहीं होता, बहुत ध्यान दीजिएगा। तुलसी की माला में सुई का प्रयोग नहीं होता, बेलपत्री की माला में सुई का प्रयोग नहीं होता, शमी की माला में सुई का प्रयोग नहीं होता, आंवले के वृक्ष की पत्ती की माला में सुई का प्रयोग नहीं होता, पीपल के पत्ते की माला में सुई का प्रयोग नहीं होता, बड़ के पत्ते की माला में सुई का प्रयोग नहीं होता। थोड़ा ध्यान रखना इस बात के लिए, इसमें सुई नहीं लगना चाहिए, इसमें सुई का प्रयोग नहीं होता। अब तीन चीजें हमारे यहां सनातन धर्म में बड़ी विचित्र बताई है, उसका स्मरण होना चाहिए। नारी जब मांग में सिंदूर भरे उस समय दर्पण के सामने केवल नारी हो, कोई दूसरा नारी को मांग में सिंदूर भरता हुआ ना देखे। जब नारी गले में मंगलसूत्र धारण कर रही हो या 16 श्रृंगार जब नारी धारण कर रही हो उस समय पर कोई ना देखे। नारी का जो श्रृंगार है एक विवाह के समय पर और एक मृत्यु के समय पर, सौभाग्यवती नारी का श्रृंगार दो जगह पर भले सर्व रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि बराती सब बैठे रहते हैं और दूल्हा मांग भरता है, बराती सब बैठे रहते हैं और दूल्हा मंगल सूत्र पहनाता है, सब लोग बैठे रहते हैं और पांव में बिछुड़ी दबाई जाती है, सब बैठे हुए हैं मांग का सिंदूर भरा रहा, और एक अखंड सौभाग्यवती नारी जब जाती है तब सबके सामने सब खड़े हैं और पति अपनी पत्नी को मांग में सिंदूर भरकर आखिरी में भेज देता है, भेजता है। ये दो, पर इसके बीच में जो स्त्री का जीवन है, इसके बीच में जो नारी का जीवन है, एक बहू मैं निवेदन करना चाहूंगा आज की बेटियों को, भले तुम पढ़ लो लिख लो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, एसपी बन जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े तो मिनिस्टर बन जाओ, मना नहीं, पर हमारे सनातन धर्म की संस्कृति से दूर मत हटना। मुख में हिंदी माथे पर बिंदी, ये मेरे भारत के सनातन धर्म की निशानी आपके भीतर होना चाहिए। एक विवाह, एक मृत्यु और उसके बीच का जो समय होता है उसमें नारी जब भी अपने मांग में सिंदूर भरती है, अपना 16 श्रृंगार करती है, तब नारी को अकेले में अपने कमरे में अपने भवन में श्रृंगार करना चाहिए। यहां तक शास्त्र कहता है कि छत पर खड़े होकर भी बाल नहीं बांधना चाहिए। एक बिठिका ने बाल बाए थे खड़े होकर छत पर, और तोते का बच्चा उड़ते हुए आया था और बकासी आने पर मुख में प्रवेश कर कर गर्भ में बैठ गया था, वो कथा भी हमारे यहां है। कंस का जन्म कैसे हुआ ये आप सब श्रीमद् भागवत की कथाओं में सुन चुके हो कि नारी रजो धर्म में थी और रजो धर्म की वो नारी 3 दिन बाद केश धोकर बाहर गई और द्रुमलिक नाम का एक असुर ने देख लिया और वो उसके साथ में रहने लगा और उसके माध्यम से उसका गर्भ ठहर गया। यहां तक हमारे संवाद करते हैं, उसमें थोड़ा सा स्त्री को समझना है, थोड़ा सा नारी को समझना। आप करो श्रृंगार, आपका श्रृंगार करने को मना नहीं है। सास ससुर देवर जेठ परिवार घर के बड़े घर के बुजुर्ग खड़े हैं उस समय पर श्रृंगार नहीं, आप जाओ अपने कक्ष में श्रृंगार करके आइए,
मना नहीं, पर किसी की सम्मुखता में नहीं। एक बहुत सुंदर बात कहना चाहेंगे, जिंदगी में कभी मौका लगे तो स्मरण करिएगा, जिसको ब्रेन का ट्यूमर हो जाता है, माथे में कहीं खून के चकते जम जाते हैं, उस व्यक्ति को कपालेश्वर महादेव का दर्शन नासिक जाकर गोदावरी के घाट पर एक बार अवश्य करना चाहिए, उसकी राह मंजिल सरल हो जाती है, रोग का निवारण होता है। कपालेश्वर महादेव, वो कपालेश्वर महादेव। कपालेश्वर महादेव का दर्शन किया, भगवान शिव वहां पर विराजमान हो गए। वर्णन आता है, देवराज शिवजी का स्मरण करा, शिवधाम को चले गए।